मेरठ में जिस तरह से क्रिकेट का विकास देखते देखते आसमान में पहुंच गया और यहाँ के खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ का जो विक्टोरिया पार्क है, जिसे भामाशाह पार्क कहते हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो लोग करता धरता लोग हैं, वो इससे ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं कि जो जिनके पास सुबह से लेकर रात तक क्रिकेट है। और उन्हीं में से एक नाम है जो UPCCI के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर युद्धवीर सिंह, शिक्षक हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं और साथ साथ मैदान में उनका पूरी तरह से उनका ये इरादा रहता है कि बच्चे यहाँ से निकलें, इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, नेशनल लेवल पर जाएं और मेरठ का नाम रोशन करें, अपना कैरियर बनाएं। आज हम इसी संबंध में बात करेंगे प्रोफेसर युद्धवीर सिंह से कि कैसे वो खिलाड़ियों के लिए पूरे दिन परेशान रहते हैं और कैसे उनकी योजनाएँ हैं ताकि मेरठ बेस्ट यूपी में जो, और खासकर यूपी में खिलाड़ियों कैसे और विकास हो और खिलाड़ी ऊपर तक पहुँच के जाएँ। सर, जनवाणी में आपका स्वागत। सर, थैंक यू सर। ये बताइए कि जब आप विक्टोरिया पार्क पहले के मुकाबले आज पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ से तमाम प्रतिभाएं निकल गई हैं और इसके पीछे आपकी पूरी टीम और खासकर आपका लगन इसमें सबको दिखाई देती है, तो आप भविष्य में क्या योजना है आपके जो नई उम्र के लड़के उभर के आ रहे हैं? यही योजना है कि उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले, खेलने का पूरा अवसर मिले और हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले वो अच्छा इंसान हो, उसके बाद बाकी कैरियर आगे होता है। क्योंकि हमारा अपना मानना ये है कि बच्चा अगर अच्छी तरह से सोचेगा, उसके विचार अच्छे होंगे, संस्कारी होगा, तो वो फिर अपने फील्ड में कहीं भी निकल सकता है। तो खेलने के साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसी की वजह है कि पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट्स हैं इस ग्राउंड के, और उसमें बड़ी सीधी बात है कि जो यहाँ इन्वॉल्व हैं लोग, चाहे वो मेरठ कॉलेज के लोग हैं, चाहे वो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो डेडिकेटेड हैं, उनको अपना कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देते हैं वो, इसलिए ये रिजल्ट है। तो आप जिस तरह बड़े खिलाड़ी निकल के गए हैं यहाँ पर, क्या छोटे बच्चों के लिए जो नर्सरी के, जैसे आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो क्रिकेट अकेडमियाँ चल रही हैं, तो क्या BCCI के जो अपनी जो BCCI ने जो आपको जिम्मेदारी दे रखी है उसके हिसाब से क्या आपको लगता है छोटे बच्चों को, स्कूली लेवल के बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, अभी आप अगर देखें, अभी सुरेंद्र चौहान जी यहाँ सेक्रेटरी हैं, संजय रस्तोगी हैं, ये लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो अभी अंडर 14 का इन्होंने 2 डे मैचेस करवाए, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, हम पूरी यूपी में करवाना चाह रहे हैं कि बच्चा वो छोटी क्रिकेट ना खेले, 10 ओवर 20 ओवर ये क्रिकेट ना खेले, क्योंकि उससे उसका जो स्किल है वो ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों का यही प्लान है, हम अभी एकेडमी शुरू कर रहे हैं, कानपुर में एकेडमी शुरू कर रहे हैं, लखनऊ में, यहाँ ऑलरेडी काम चल, तो उसमें यही है कि बच्चे को पूरी शिक्षा भी हम ही लोग दें, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन दे, उसका पूरा ध्यान, उसका खाना पीना ये वो सब, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको छांट के उनको फिर एक एकेडमी में रखा जाए और उनको पूरी तरह से उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है खेल के साथ साथ उस पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन होगा और देश का भी नाम रोशन होगा। कब तक हो जाएगी? इसी साल शुरू कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर अंदर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं, और इसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या इस लेवल पे भी कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, गड़बड़ी नहीं होती, होता ये है कि हर एक को ये लगता है कि भाई वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जब वो कंपटीशन में उतरता है तो एक से एक होता है। तो 20 जैसे 19-20 वाली बात होती है, तो 20 ही सैकड़ों बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का परफॉर्मेंस होगी, बच्चा दूसरा भी अच्छा है लेकिन किसी की बेटर परफॉर्मेंस होगी, उसका सिलेक्शन हो गया, जिसका नहीं हुआ उसको दुख तो होता ही है कि उसने भी मेहनत कर रखी है। लेकिन अजीब बात यह है कि ना तो माता पिता समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा किस कैलिबर का है, वो खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, इससे अच्छा उसको किसी दूसरे फील्ड में डाल दें, पढ़ा लें, लेकिन वो एक धुन है कि नहीं क्रिकेट खेलेगा। तो बच्चे को ये समझ लेना चाहिए, माता पिता को समझना चाहिए, कोचेज को समझाना चाहिए कि बच्चा वो उस लेवल का है कि नहीं है। तो कितने, आपको क्या लगता है कितने साल की उम्र से बच्चों को मैदान में आना चाहिए? 10-11 साल। तो क्या आप बाहर के कोच भी लाएंगे क्या, जैसे अभी तक तो ऐसा नहीं, बाहर के कोच की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ भी हमारे बहुत सारे कोचेज हैं यहाँ और यूपी में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कोच का काम करते हैं हर जगह, तो उन्हीं को रखेंगे, बाहर से लाने की जरूरत नहीं। हालांकि हमने लखनऊ में वो प्राइवेट एकेडमी है, उसमें वेंकटेश प्रसाद ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक शिक्षक भी हैं और आप दोनों तालमेल कैसे बैठाते हैं? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ
एसोसिएट क्रिकेट का काम करने के लिए प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, तो फ़ोन है, बाकी कम्युनिकेशन है, वो चल जाता है। कॉलेज में रहना ज़रूरी है तो वो उतने टाइम रहते हैं, तो 4-5 घंटे जो भी वहाँ है उसके बाद दूसरा काम कर लेता है। तो क्या विक्टोरिया पार्क का भी और डेवलपमेंट के बारे में आप सोचा क्या, आप इसको और आधुनिक क्या बनाएंगे सर? कई बार सोचा लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और सरकारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कई बार स्टेडियम बनाने की भी सोची लेकिन वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन अब देखिए मैनेजमेंट या कोई लोग काम करें इस बारे में, तो ये ग्राउंड मिले तो फिर इसके बाद स्टेडियम बन जाए। तो क्या लगता है ये यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम इसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से। अभी आपने देखा कि बताया कि प्रोफेसर इंदवीर सिंह जी ने कि किस कदर वो आगे खेल को बढ़ाना चाहते हैं, क्रिकेट को, और यहाँ पे एकेडमी भी लाएंगे प्रदेश में, और भी जगह लाएंगे एकेडमी, और आने वाले समय में विक्टोरिया पार्क और भी नाम रोशन करेगा और यहाँ खिलाड़ी और भी पूरी दुनिया में चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो चाहे कीपिंग हो उसमें नाम कमाएंगे और अपने मेरठ का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन विजय राजा के साथ ज्ञान प्रकाश जर्मनी।